नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। ड्रैगन की दोहरी चाल, एक तरफ शांति की बातें, दूसरी तरफ युद्धाभास दिखाकर दबाव बनाने की कोशिश में चीन। लद्दाख में भारतीय सेना से तनातनी के बीच चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने एक बड़े युद्धाभास का दावा किया है। सीमा विवाद को लेकर बातचीत के बीच ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध की तैयारी परख रही है चीन की सेना। कोरोना वायरस देशों में स्पेन को पीछे छोड़ भारत पांचवें नंबर पर, 2,45,000 से अधिक मरीज, 6,600 से ज्यादा हुई मौत। अब अमेरिका, ब्राजील, रूस और ब्रिटेन ही इस मामले में भारत से आगे है। भारत में चिंताजनक होती जा रही है स्थिति। बंदी उत्कल जननी को उड़ीसा में मिला राज्यगान का दर्जा। संसदीय कार्य मंत्री विक्रम केसरी अरुख ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने बंदी उत्कल जननी को राजगान का दर्जा प्रदान किया। आपको बता दें कि ये एक देशभक्ति कविता है जो सन 1912 में कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्र द्वारा लिखी गई थी। ये एक अलग प्रांत के गठन की लड़ाई के दौरान उत्कल सम्मिलिनी का शुरुआती गान रहा। दुनिया में कोरोना का कोहराम, 4,00,000 के करीब पहुंची मरने वालों की तादाद। अब तक अमेरिका में सबसे अधिक मौतें, मौत के मामले में दूसरे नंबर पर है ब्रिटेन। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में 15 गाय मृत मिलने से हड़कंप, जहरीला चारा खाने से गई जान। अतर्रा तहसील के बिसंडा में इन गायों के शव एक खेत में पड़े मिले। इसकी सूचना मिलते ही आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए और गायों का पोस्टमार्टम कराया गया। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। यूपी शिक्षक भर्ती, प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। प्रियंका बोली, रौंदा जा रहा युवाओं का भविष्य। आपको बता दें कि इस परीक्षा में अर्चना तिवारी नाम की छात्रा ने टॉप किया है। अर्चना तिवारी की मार्कशीट पर कैटेगरी OBC लिखी हुई है। इस पर लोगों ने आपत्ति जताई है। इसके अलावा और भी छात्रों के नाम शक के घेरे में हैं। प्रवासी मजदूरों के पलायन और टैक्स में बढ़ोतरी से शराब बिक्री में आई गिरावट। शराब उद्योगों के अनुमानों के मुताबिक तमाम राज्यों में शराब की दुकानें दोबारा खुलने के बाद मई के पहले 3 सप्ताह के दौरान बियर की बिक्री में 60-90% की गिरावट आई है। लॉकडाउन से देश की रफ्तार हुई धीमी, लेकिन भारतीय युवाओं की सेहत सुधरी। लॉकडाउन के दौरान युवा घर में रहे और आराम किया, जिससे उनकी दिल की धड़कन की रफ्तार धीमी रही है। एक निजी फिटनेस ट्रैकिंग ब्रांड के आंकड़ों के मुताबिक देश में 18 से 29 साल की युवतियों के रेस्टिंग हार्ट रेट में प्रति मिनट 2.56 की गिरावट रही। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि 9 से 11 जून के बीच उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय और तेलंगाना में अलग अलग समय पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं विदर्भ, पश्चिम बंगाल के गंगीय तट और गुजरात में 10 से 11 जून के दौरान अलग अलग समय पर भारी बारिश हो सकती है। चीन ने कोरोना पर जारी किया श्वेत पत्र। 19 जनवरी को इंसानों से इंसानों में संक्रमण का पता चला। इसमें कहा गया है कि पहली बार 27 दिसंबर को वायरल निमोनिया के तौर पर वायरस के बारे में पता चला था, जबकि इंसानों से इंसानों में संक्रमण का पता 19 जनवरी को चला। उम्मीद करते हैं आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। खबरों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।